मैडम सूर्या खुद आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज एक बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है, वो इसलिए क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 ने आज एक और बड़ा कीर्तिमान रच दिया है। जी हाँ, अक्षय कुमार की बैक टू बैक दूसरी 200 करोड़ क्लब की फिल्म है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बैक टू बैक फोर्थ 150 करोड़ प्लस फिल्म है। ये वही एक्टर है जिसके बारे में एक साल पहले ये कहा जाता था कि भैया 135 करोड़ के ऊपर कभी नहीं जाएगा ये एक्टर, ये सुपरस्टार, ये हीरो, वो इसलिए क्योंकि इसकी फिल्मों में दम नहीं होता है, यही बातें कही जाती थी। और अक्षय कुमार ने ऐसा क्या बोलते हैं चमाट लगाया या ऐसा आंसर दिया है कि अब सबकी बोलती बंद है। आज मैं वो फिल्म देख रहा था, एक कॉमेडी फिल्म है मालामाल वीकली, उसमें एक डायलॉग है जब राजपाल यादव हिरन को छेड़ता रहता है तो बोलती है कि क्या गोबर में झाड़ू लगा के मारेगी। तो कुछ इस तरह से हेटर्स को ट्रोलर्स को जवाब दिया है इस फिल्म ने, क्योंकि इस फिल्म को लेकर जो नेगेटिव ट्रोलिंग थी वो हद से ज्यादा थी। हद से ज्यादा मतलब हद से ज्यादा। और यहां पर चीज एक ही चीज जो साथ थी इस फिल्म के, वो थी आम जनता और आम जनता का प्यार अक्षय कुमार के लिए और हाउसफुल के लिए। क्योंकि एक फैमिली फिल्म देखने जाती है वो अगर हंस के बाहर निकलते तो उससे बड़ी दुआ, उससे बड़ी अच्छी चीज और कुछ नहीं होती है। और पूरी फैमिली हंस हंस के आ रही थी और कई रिपीटेड ऑडियंस देख रही थी, मैंने आपको हर चीज बताया था। और मैं स्टार्टिंग से लेकर इस फिल्म के साथ में रहा हूं, पलटी नहीं मार रहा हूं बिल्कुल, और आपको हर मुमकिन चीजें बताया हूं आपको। मैंने स्टार्टिंग में जब सब पैनिक हुए पड़े थे, सभी अक्षय कुमार के फैंस पैनिक हुए पड़े थे कि भैया माथे पे सर रख लिया था कि यार दिवाली में दिवाला निकल दिया, दिवाला निकल गया, ऐसा जब आपको फील हो रहा था पहले 3 दिनों में, मैंने बार बार आपको कहा मायूस मत हो, ये 4th दिन से ये फिल्म जंप मारेगी। वो भी हुआ, रिव्यू के हिसाब से मुझे कई लोगों ने कहा तू कैसे रिव्यूज दे रहा, 3 स्टार, तो मतलब लगभग 3 स्टार, मतलब मैं रेटिंग तो देता नहीं हूं लेकिन मेरी जो रेटिंग हो से अलग रहती है ना, मैंने इसको 70% के आसपास की रेटिंग दी थी। उन्होंने कहा कि तू पागल हो गया, या तो तुझे पैसे मिले या तो फिर पागल है, तो रेटिंग देने आता नहीं है। तो हाँ, कुछ भी नहीं आता है। कल भी एक किसी महाशय बड़े क्रिटिक ने इस फिल्म को घटिया और अथू वाली मूवी बोला, तभी मैंने जवाब दिया कराया जब, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, और ये फिल्म काफी सही है। और इसको लेकर जो ट्रोलिंग हुई थी वो बहुत ही गलत और बिना मतलब की हुई थी, इसलिए मैं इस फिल्म के सपोर्ट में स्टार्टिंग से था। और यहाँ पर चलिए आपको कलेक्शन बता देता हूँ। पहले हफ्ते का कलेक्शन इस फिल्म का जो था वो आया करीबन 141.31 करोड़, और दूसरे हफ्ते के बाद ये फिल्म जाकर पहुंची 189.73 करोड़, 179.73 करोड़। उसके बाद 15वें दिन इस फिल्म 2 करोड़ की कमाई की, 16वें दिन यानी कि शनिवार थर्ड सैटरडे को इससे 2.75 करोड़ की कमाई की, संडे को 4.35 करोड़ की कमाई की, जो एक अच्छा खासा कलेक्शन था 4.35 करोड़। और मंडे जो मुझे उम्मीद तो थी लेकिन मुझे मैं 2 करोड़ के आसपास कुछ प्रेडिक्शन दिया था, है ना, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर था कि शायद कम होगा, ज्यादा होगा, कुछ होगा, लेकिन ये कलेक्शन बेहतर आया क्योंकि रात तक मुझे बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं थी और मेरे को जो अपडेट मिले थे उसमें ऐसा लगा था शायद 1 करोड़ के आसपास ही कलेक्शन किया है, गिर गई फिल्म ऐसा, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि अगर सेकेंड फ्राइडे 2 करोड़ कलेक्शन है और मंडे को 1.75 करोड़ कलेक्शन है तो ये तो उसी तरह कलेक्शन जिस तरह से बाला कलेक्शन आया फ्राइडे और मंडे का, यानी कि अच्छा कलेक्शन, एक अच्छा खासा जंप है फिल्म के बाद, एक अच्छी खासी होल्ड है फिल्म के पास, और फिल्म ने 1.75 करोड़ तक की कमाई की है दोस्तों। और माफ कीजिएगा सुबह जो मैंने आपको एक एस्टिमेट जो बताया थे वो सही नहीं था, और यहाँ पे 1.75 करोड़ इसी फिल्म ने कमाई की है, ट्रेड का भी सेम ही कलेक्शन है, और इसने 200.58 करोड़ का कलेक्शन किया है। ये बात बिना ताली बजाय मैं नहीं कह सकता हूं, ये ताली उन सभी लोगों के लिए है जो अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं और अच्छी फिल्मों को जाके सिनेमाघरों में देखते हैं, ठीक है। 200.58 करोड़, 200.58 करोड़, और इसका ट्रेड फिगर जो है 195.18 करोड़ है। जिस तरह से ट्रेड फिगर है, ट्रेड फिगर में भी और प्रोड्यूसर फिगर में भी लगभग लगभग 5 करोड़ के आसपास का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, और ट्रेड के हिसाब से भी फिल्म 200 करोड़ कर लेगी लाइफ टाइम में अपने, इतना तो अब तय है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और 1200 स्क्रीन पर फिल्म धमाके मचा रही है, और जितने भी ट्रोलर्स है, हेटर्स है, उनको ये वीडियो भेज दो ताकि ये समझ में आ जाए कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चलिए बल कितना दोस्तों।